देख रहे हैं खटपट न्यूज। नमस्कार, खटपट न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दो दिवसीय प्रदेश दौरे पर आए नव नियुक्त प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी देवी आज मीडिया से रूबरू हुई। प्रेस वार्ता में उन्होंने दो दिनों से चली आ रही बैठक की जानकारी तो पूरी तरह से साझा नहीं की, पर प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कई दिलचस्प बातें कही जो सीधा सत्ता में बैठी भूपेश सरकार पर वार करती नजर आई। तमिलनाडु से नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी देवी दो दिवसीय प्रदेश दौरे पर राजधानी रायपुर पहुंची हुई थी। कल यानी 7 दिसंबर को प्रदेश संगठन प्रभारी डी पुरंदेश्वरी दो दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर। कुशभा ठाकरे परिसर में प्रदेश कार्यकारिणी से संवाद करते हुए डी पुरंदेश्वरी ने कहा, सत्ता आती और जाती रहती है, विपक्ष का दौर संगठन को मजबूत बनाने का होता है। मैं प्रदेश के चप्पे चप्पे तक पहुंचूंगी, अंतिम कार्यकर्ता तक मेरा ठोस और सार्थक संवाद हो, मेरा यही प्रयास और यही काम है। हालांकि इसके बाद जबकि उन्होंने मोर्चा प्रकोष्ठ और जिला कार्यकारिणी की जानकारी ली तो उनके तेवर तल्ख हुए। प्रदेश भाजपा संगठन प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा, 20 दिसंबर तक सभी मोर्चा प्रकोष्ठ अपनी कार्यकारिणी बना ले, वहीं जिला अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी सूची 15 दिसंबर तक तैयार करें। दो दिवसीय दौरे के आज आखिरी दिन प्रदेश प्रभारी मीडिया से रूबरू हुए। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि दो दिन के दौरे में हमने लगातार प्रदेश की परिस्थिति और समस्याओं के विषय में चर्चा की। 2014 में जब चुनाव हुए थे तब किसी को विश्वास नहीं था कि भाजपा अपने बलबूते में सत्ता में आएगी। उस वक्त भारत की जनता बदलाव चाहती थी, भारत की जनता ने उस वक्त हमारी पार्टी को आशीर्वाद दिया था। हम कल छत्तीसगढ़ में आए, कल और आज दो दिन हमारा समावेश हुआ सभी से, विधायकों के साथ, सांसदों के साथ, पदाधिकारियों के साथ, जिलाध्यक्षों के साथ, कोर कमेटी के साथ, सभी से हमारा परिचय हुआ। और उनसे बातचीत करते समय यहाँ की जो परिस्थिति है, जो माहौल है और जो समस्याएं अब छत्तीसगढ़ी लोग फेस कर रहे हैं, उन सभी के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा परिचय हुआ है। बट डेफिनेटली आगे के समय में हम जब दौरा करेंगे छत्तीसगढ़ को तो ज़रूर विल गेट मोर कमांड ऑफ दी चैलेंज। क्योंकि पूरे प्रेस वार्ता के दौरान अधिकतम उन्होंने अंग्रेजी का ही इस्तेमाल किया, पर आगामी चुनाव में भाजपा की जीत का दावा बड़े ही विश्वास से किया। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज़, रायपुर।